हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप अच्छे होंगे। हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त भूपेंद्र कुमार। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था बारिश, और उससे अगले ब्लॉग में दिखाया था खो नदी को। हाँ, तो मैं इसी खो नदी को दिखाऊंगा जिसने हमारे एक रोड आ रही है तो उसको तोड़ा था और उसकी ढब्बा पड़ गई है बहुत गहरी। मैं आपको वो दिखाऊँगा। और पिछले ब्लॉग में आपको मैंने जंगल दिखाया था जो कि बंगा और गन्ने के दिखाया था। और आज हो गया है मौसम साफ, कल पड़ रही थी बारिश। और मैं चलता हूँ आपको लेकर ढब्बा की ओर। आ गए हम ढब्बा पर जो आप सामने देख रहे हैं। यह खो नदी की ढब्बा, इसको खो ने तोड़ दिया था और यह अबजा जोहड़ा बना दिया है जो हम चल रहे हैं इस पर चक्रोड़ पर। यह एक पक्की सड़क होया करती थी लेकिन ये उधर से घूमकर इधर ही तरफ को जा रही थी और इसे तोड़ दिया है और कट मशीन द्वारा इसे दोबारा से बनाया गया जो अब चक्रोड़ है। अभी नहीं बनी और इसका पिचिंग नहीं बना। इसकी वीडियो भी गई है कोई सोशल मीडिया पर लेकिन अभी पिचिंग यहाँ पर नहीं बना। जो आप देख रहे हैं यह ढब्बा है जिसमें सिंगाड़ी भी गेरते हैं लेकिन जब इसमें नदी में पानी आया था तो इसमें शहरी एरिया में पानी आ गया था तो इस वजह से सिंगाड़े भी निकल कर इसमें चले गए और सिंगाड़े का मौसम भी ख़त्म हो गया। इसलिए अब सिंगाड़े भी नहीं मिलने के और अगले मौसम में दिखाऊँगा सिंगाड़े के बारे में। देखिए हम चल रहे हैं, लपकुद भाई जा रहे हैं हमारे आगे आगे। मैं आपको बैक कैमरे से पूरी ये ढब्बा की वीडियो दिखाता हूँ। गाइस कितना ये बहुत जोहड़ा सा बना रखा है और देख कितनी रपटन हो रही है, देख के निकलना पड़ गया है। इधर इधर गिर भी सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक गाड़ी गिर गई थी अभी थोड़ी देर पहले। मैंने वीडियो स्टॉप कर दी थी क्योंकि गाड़ी उड़ी उठवाई थी उनकी और जब जाकर हमने वीडियो शूट करनी शुरू करी। और देखिए ये दरार सी पड़ी हुई है, यहाँ पर पानी से ये दरार पड़ गई है। और उधरली साइड देखिए कितना ये जंगल है जो कि इसमें गन्ना भी खड़ा है। और इधर मुंजी थी जो सारी मुंजी ख़राब हो गई थी जब इसमें पानी आया था तो इसका पानी यहाँ तक ही प्लान हो गया था। जो आप रोड देख रहे हैं यहाँ तक ही प्लान हो गया था। और इधर देख सकते हैं आप पानी से इधर कितनी दरार हो गई दूर खेत से, क्योंकि उधर का पानी इधर से निकल कर और अंदर को ही गैप खो गया, इस वजह से ये दरार पड़ गई। और आप देख सकते हैं ढब्बा कितनी घेरी है और देखिए ये दरार कितनी खतरनाक है। और ये इधर से इधर को निकल रही है। अब हमारी प्लेस थी जो मैंने सबसे फर्स्ट ब्लॉग में दिखाई थी। मैं आपको विलेज से रिलेटिव भी ऐसी वीडियो देता रहता हूँ और नई नई नॉलेज वाली अपनी जो घूमने वाली जगह है मैं आपको वो देता रहता हूँ। आप जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अब चल रहे हैं हम घर पर।
गैस, अब हमने दिखा दिया आपको पूरी ढब्बा और मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा। ब्लॉग को कर दें यहीं पर समाप्त। ओके, जय हिंद, जय भारत।